हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड हमारे आंटी अंकल सारे लोग कैसे हैं पहले तो कमेंट करके बताओ। और मैं और जानू ठीक हूँ, जानू जॉब पे गए हैं, आप लोगों को सभी को पता है। और मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए मैं अकेली होती हूँ रोज़ की तरीके। और दिवाली आ रही इसलिए तो और भी धमाकेदार होने वाला है, तो धमाकेदार इसलिए जानू जॉब पे गए हैं हमारी खुशी के लिए। आप लोग भी खुश रहते हो मेरी खुशियाँ देख के, इसलिए आप लोगों की खुशी के लिए भी हम जानू हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग उनको जिस तरह मैं अकेले वीडियो बनाती हूँ ढेर सारा प्यार दो कि जानू ये देख के और खुश हो जाए करे। तो पहले तो मैं आप लोग से ये पूछा कौन कौन अपने घर की झाड़ू सफाई कर चुका है। हमारे ब्लॉग में आप बने रहना, भागना मत, बता दूं पहले ही। तो फ्रेंड्स कौन कौन सफाई कर चुका पहले ये कमेंट कर बताओ। मेरे घर की सफाई तो नहीं हुई क्योंकि मैं जानू की जानू पहले वहां से काम जॉब करके आएंगे, फिर मैं जानू के साथ हम दोनों सफाई करेंगे, दोनों मिल गए क्योंकि हम दोनों का घर है, हम दोनों रहते हैं। तो इसलिए अकेले करने में थोड़ा दिक्कत ये होती है क्योंकि इतने बड़े बड़े सामान ऊपर रखे हैं ना, तो उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है। ताकि जानू भी रहेंगे तो हम दोनों मिल के सफाई करेंगे। और कौन कौन शॉपिंग कर चुका है, मेरा तो ना शॉपिंग हुआ है ना दिवाली की सफाई, कुछ भी नहीं। मैंने इतने सारे वीडियोस देख रहे, सभी शॉपिंग हो रही है, सफाई नहीं शॉपिंग हो रही है, और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो फ्रेंड दिवाली के उत्सव पे तो कौन कौन एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, पहले बात जैसे आंटी अंकल हो गए एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, मेरे जो भाई बहन है एंड हस्बैंड वाइफ है सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, सभी को एक दूसरे, पता नहीं जानू मुझे क्या देंगे क्योंकि मुझे तो लगता है जानू मुझे जरूर कुछ देंगे। मैं तो यही सोच, क्योंकि करवा चौथ में मुझे नहीं मिला तो दिवाली पे तो पक्का धमाकेदार कोई गिफ्ट मिलने वाला है। तो आप लोग किसको किसको गिफ्ट मिल आई मीन दिवाली पे मिलेगा ना, किसको किसको मिलेगा, तो उस टाइम पर आप लोग कमेंट्स करके बताना। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज तक जानू को कुछ गिफ्ट नहीं दी हूँ। मैं सोच रही थी मैं दे दूँ, बट फिर सोच रही हूँ दूँ कि ना दूँ। सॉरी मैं आप लोग कैसे बोल रही हूँ, मैं कुछ जानू के लिए लेके आई हूँ और इतना बड़ा मतलब क्या लेके आई ये नहीं बताऊंगी, ये तो आप और जानू दोनों लोग साथ में ही देखोगे। बट मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ, मैं आज पहली बार, जब से मैं जानू की गर्लफ्रेंड थी और वाइफ हो गई तब से मैं आज पहली बार जानू को कुछ दे रही हूँ। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, देख रहे मैं जानू को क्या देने वाली हूँ। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और चलिए हमारे साथ। फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी जगह पे और आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं जानू के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, जाना मत, आपको दिखाऊंगी भी बताऊंगी भी मैं क्या लेके आई हूँ जानू के लिए गिफ्ट, वो भी पहली बार जिंदगी में पहली बार लेके आऊँ। और क्या बताऊँ फ्रेंड, इतनी कीमती तोहफा मैं पहली बार जानू को दे रही हूँ, इतनी तोहफा दे रही हूँ कि जानू सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं जानू की इतनी कीमती तोहफा दे सकती हूँ। आप लोग भी नहीं सोच सकते हो, इतना महंगा गिफ्ट आज तक किसी ने, अब कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं दिया होगा, पक्का मैं बोल रही हूँ। अगर दिया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, अगर नहीं दिया होगा तो भी आप कमेंट, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन मैं जानू क्योंकि अब वाइफ हूँ, पहले गर्लफ्रेंड थी पैसे नहीं होते थे, अब वाइफ हूँ जो जानू 10-20-30 रुपए देते, बचा बचा के इकट्ठे करते, बहुत सारे इकट्ठे किए तब जाके मैं आज गिफ्ट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं दिखा देती हूँ गिफ्ट, ये है इसमें मैंने अभी पैक कर रखा, आपको अभी दिखाऊंगी भी ये है क्या और बताऊंगी भी क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको दिखाऊंगा। आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, छोड़ के मत जाना। तो ये है गिफ्ट, इतना छोटा सा, आप लोग थोड़ा पहले गेस करो इतना छोटा सा हो गया, ये वाइट है नीचे करके दिखाते हैं, तो ये वाइट है तो समझ में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने वाइट वो है पेज है मैंने उसमें मोड़ा है, क्योंकि ऐसे ही लेके आई थी तो हमें घर में मोड़ना पड़ेगा ना। तो अभी मैं आपको इस खोल के दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये डिब्बा है मेरा जो कि हमारे मेकअप बॉक्स में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे इसी में पैक करती हूँ। और मैंने इसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं, कुछ फीलिंग्स हैं हमारी दिल की, कुछ बातें हैं जो कि मैंने जानू को दूंगी, तो जानू पढ़ के बताएंगे भी, आप लोग को सुनाएंगे भी हमने अपनी दिल की क्या बातें लिखी हैं। और ये पन्नी है, सारा कुछ मैंने रख रखा है, गिफ्ट पैकिंग वाली है, ये थोड़ा मुड़ गया क्योंकि मेरे पहले की मेरे कपड़ों में रखी हुई थी इसलिए इसका ऐसा हुलिया हो गया, तो जो घर में पड़ा था वही मैंने वो किया है। तो ये वीडियो मैं आपको पहले बताया कल पड़ेगी क्योंकि आज शाम को मैं जानू की ये गिफ्ट दूंगी, आज शाम को दिवाली से पहले मैं गिफ्ट दे रही हूँ क्योंकि दिवाली के टाइम पे गिफ्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उसे सफाई करूँगी, ये करूँगी, दुनिया भर के काम होंगे, तो इसलिए मैं जानू को पहले ही गिफ्ट दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात और पता है क्या, अभी के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं जानू कुछ गिफ्ट दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। पिछले साल पता है क्या था फ्रेंड, अकेले हम दोनों थे, पता है हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट भी नहीं किया था, आराम से, पता क्या था फ्रेंड, आराम से घर में बैठे हुए थे, हम इधर रो रहे जानू उधर सो रहे थे, क्योंकि हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी।
थी, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग इतने सारी खुशियों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं और मैं जानू को गिफ्ट दे पा रही हूँ। तो फ्रेंड अब हमें ब्लॉग बने रहना, अब मैं जानू का गिफ्ट करने जा रही हूँ पैक। ये पेज है, एक पेज से मैंने कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको फिर से फोल्ड कर देती हूँ उस पेज में, ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए और जानू थोड़ा खोलने में टाइम लगे। और आप लोग पहली बात तो मैं बता दूँ, अब ये गिफ्ट आप और जानू साथ में देखोगे, आपके लिए भी सरप्राइज, जानू के लिए भी सरप्राइज दोनों। यार तुम सही से कर लो ना यार, मैं अपने जानू के लिए गिफ्ट पैक कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड हंस रही है इसको इतनी हंसी आ रही है ना, पता है हम दोनों जाके लेके आए थे ना, इसलिए दोनों हम बहुत मजा आ रही है हम दोनों को। वो सोच रही है प्रिया क्या कितना अपने पति का केयर करती है बताओ। फ्रेंड मेरे पास सीजर नहीं है, इसलिए मैं अपने दांतों से, अपने इतने बड़े दांत मेरे किस काम के आएंगे, तुम मत हंसो यार, अपना आवाज़ भी नहीं निकाल के हंस पा रही, क्योंकि मैं वीडियो में, पता है क्या, ये वीडियो में आना नहीं चाहती है, ये बोलती कि मैं वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है कैसे कैसे लोग हैं हमारे हेटर्स, इनकी वजह से नहीं आना चाहती, तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानना। और ये डिब्बा अब एक बार फिर से पैक करेंगे इसको, क्योंकि ये लेटर है ना, इसमें मैंने कुछ फीलिंग्स अपनी लिख रखी है। अब इस लेटर में इसको ऐसे करके रख देते हैं, इसको फिर से पैक करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये बस इतना मैं कहूँगी कि आज से पहले किसी ने अपने हस्बैंड को ऐसा गिफ्ट नहीं दिया होगा, और देख के हस्बैंड इतना खुश हो जाए, मेरा जानू इतना खुश होगा ना, मुझे अपने जानू पे गर्व है, वो बहुत खुश होंगे। वाह जानू, पता है मैं पहली बार जानू के लिए गिफ्ट लेके, पता नहीं जानू मेरे गिफ्ट को देख के क्या कहेंगे, क्या मैंने आज तक जानू को गिफ्ट नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, मैंने कहा इस दिवाली पे मैं धमाकेदार गिफ्ट ही दे देती, और हमारे इतने सारे फैंस हैं, देना तो पड़ेगा ही ना अजी कंट्रोल नहीं हो रही फ्रेंड। तो लेटर और गिफ्ट हो गया पैक, पता है फ्रेंड बस मैं इतना ही बार बार कह रही हूँ, इतनी कीमती गिफ्ट कोई नहीं अपने बॉयफ्रेंड सॉरी अपने हस्बैंड को दिया होगा। अब ये चला गया डिब्बे में, ये अब इसको कर देती हूँ बंद, टाटा कितना मस्त लग रहा ना। अब इसको रखती हूँ नीचे, और ये है गिफ्ट पैकिंग का पन्नी, जो कि अब मैं इसमें पैक करूँगी। ये करके दिखाओ, ये मैं अपने जानू की इतना अपने जानू से प्यार करती ना, इतना प्यार करती कि मैं अपने जानू के लिए अकेले गई थी लाने के लिए, अकेले मैं और मेरी फ्रेंड हम दो गए थे इसको अकेले लाने के लिए। जानू अगर पता चल गया ना मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, पता नहीं क्या करेंगे, सोच नहीं सकती हूँ। अरे यार पन्नी कुछ ज़्यादा बड़ा पड़ गया, फिर भी मोड़ देती हूँ, क्या करना है, मोड़ देती, गिफ्ट होता है इसमें, क्या लेना देना, क्या पन्नी पुन्नी होता है, मोड़ देती हूँ, क्या करना है, गिफ्ट तो जानू को ही देना है ना। बस फ्रेंड आप लोग ये इंतज़ार करो, जानू मुझे गिफ्ट कह रहे थे, करवा चौथ पे तो मुझे कुछ दिया नहीं, मेरा दिल ऐसे ही टूट रखा है, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। उस दिन पहली बार तो उस दिन हमारा फ़ोन ही गिर गया था, पहली बार तो दिल इसी चीज़ से टूट गया, जो हमारी ज़िंदगी कितना बड़ा वो है। बस जानू कहेंगे तुमने पुराने पन्नी में गिफ्ट दिया, जानू मेरे यही कहेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, पत्नी हूँ इतना तो कर ही सकती हूँ ना, मैं लाना भूल के दोबारा दाँत जा नहीं सकती, बाहर के लोग बता देते हैं ना जानू को कि मैं बाहर निकली थी, इसलिए मैं जल्दी से गई, जल्दी से लेके आई, और पीछे वो भी जानू को पता ही चल जाएगा कि मैं बाहर गई थी, कितना बुरा होगा मेरे साथ, जानू कहीं अच्छा मुझसे बगैर बताएं बाहर चली गई। यार तुम क्या कर रही हो, थोड़ा सही से बता दो ना, तुम क्या मेरा बुरा मुँह वहाँ दिखा रही हो, मेरे फ्रेंड भी मेरे कहेंगे वाह प्रिया तुमने तो मौज कर दी, मेरे फ्रेंड ना खुश हो गई ना, जो मुझसे प्यार करती है मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे आंटी अंकल सारे बहुत खुश हो जाएंगे मेरा गिफ्ट देख के, मुझे पता है कहेंगे प्रिया बेटा ये तुमने क्या काम किया है। मेरी जो सिस्टर है वो तो उसे उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन सॉरी मैंने आपको पहले दिखाऊंगी बट मैंने दिखाया नहीं, मेरा टीवी चिपक जाता है पता नहीं कहाँ। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल जानू के पास है, इतना ठीक है फ्रेंड्स ना, इतना काफ़ी नहीं, जानू खोलने में टाइम लगे फिर जानू भी गुस्सा करेंगे, कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया, कोई बात नहीं, मेरा दांत इतना काफ़ी है कि मैं अपने दांतों से अपना टेप को अपने काटती हूँ, इतना काफ़ी है फ्रेंड। तो फ्रेंड जानू का गिफ्ट हो चुका है रेडी स्टडी,
लेकिन ये दो कोना दिख रहा है यार, क्या करूँ। कोई बात नहीं, दे दूंगी जानू, फिर पता ही है कि पन्नी पुराना है, आपको भी दिख ही रहा होगा पन्नी पुराना है, तो क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हो चुका है पैक, और हाँ आपको नहीं दिखा इसके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रेंड देखो ये फ़ोन जानू भी ले लेते, जानू देख लेते, अगर आते ही देख लेते फिर मेरा सारा चौपट हो जाता ना, फिर क्योंकि जानू क्या आता ना वीडियोज चेक करते हैं, तो इसलिए मैंने ना आपको दिखाया ना मैं अभी जानू को दिखाई। जब जानू आएंगे आप भी देखोगे, जानू खोलेंगे आप भी देखोगे, जानू भी देखेंगे, कितना मजा आएगा। मेरी फ्रेंड की हंसी तो रुक नहीं रही है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, मैं खुद अपने आप को इतने दिल पे पत्थर रख के कंट्रोल कर रखी हूँ कि मैं लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ, आपने ऐसा गिफ्ट कभी नहीं देखा होगा, ना किसी ने दिया होगा, मैं पक्का बोल सकती हूँ गारंटी के साथ। मैं पैसे बचा बचा के रखी तभी इतना महंगा तोहफा, वो भी सोचो फ्रेंड, पता है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती लेकिन फिर भी छुप छुपा के निकली हूँ। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, अब जानू आएंगे गिफ्ट ओपन करते हुए फिर आप। गिफ्ट का तो कल रात को ज़्यादा टाइम हो गया था, जानू लेट आए थे इसलिए हम दे नहीं पाए, क्योंकि रात का टाइम था, फिर सो गई थी मैं, तो जब लेट आए तो उठी, फिर मन नहीं किया, फिर मैंने सोचा मैं सुबह दूंगी, तो अभी जानू सो रहे हैं, चलते पहले जानू के पास, नहीं पहले गिफ्ट ले लेते हैं फिर जानू के पास चलते हैं, जानू को गिफ्ट देते हैं, और आप लोग के लिए भी सरप्राइज है, जानू के लिए भी सरप्राइज, आप दोनों आज साथ में देखोगे गिफ्ट में था क्या। तो जानू 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 जानू, ओ आपके लिए गिफ्ट, गिफ्ट आपके लिए, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, कुछ गिफ्ट सुने दो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ पहली बार, इन्हें देख लो, मैं पहली बार इन्हें कुछ दे भी रही हूँ, तो इस तरह मुंह बनाने सड़ा हुआ, गिफ्ट लेके आई हूँ। तो फिर मैं नहा धो के एकदम फ्री होके मैं इन्हें गिफ्ट देने आई हूँ। गिफ्ट है बस पन्नी पुराना है, क्योंकि वो पन्नी जो रखा था ना मैंने उसी में पैक कर दिया। गिफ्ट बता रही, गिफ्ट क्या है इसमें, कसम देख लो गिफ्ट है आपके लिए, ये देखो ये इसको इसको कोई गिफ्ट बोलता है, देखो तुम ये बताओ पालना में नहीं मिला तुम्हें, क्या जानो सुबह सुबह जानो, सोने दो मजाक मत करो यार, आटा ये देख लो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे यार जानो सोने दो ना यार, फालतू जानो देखो तुम फालतू मो कर रही है, जानो सोने दो, अब देख लो पैक इनको दिख ही नहीं रहा कि गिफ्ट है, दो देखो तो क्या है, कहां से तुम लेकर के आए जानू, कहां से दुकान से लाई हूँ, उठ के पहले बैठो, उठ के बैठ के फ्रेंड्स को भी दिखाओ, मुंह कैसे कुत्ते के जैसे इसको गाली दे रही है, कुत्ता बता रही है देखो, तो गुस्सा कुत्ता बता रही है, कुत्ता बता रही है, मुंह बना रही एकदम सड़ा है, गिफ्ट है बंदा, सोचो सो तुम कहीं गिफ्ट है गिफ्ट है गिफ्ट है, तो मैं रात को नहीं दे पाई क्योंकि आप भी लेट से आए, तो मैं तुम कहां से लेकर के आई, क्या है इसमें, खरीद के इसमें कुछ है लग रहा है, हां डिब्बा है खरीद के दुकान से लेके आई हूं, हम दो बंदे गए थे, देख तभी बोलता ना मेरे पास झूठ मत बोला, तुम ऐसे किसे पूछ रहे दुकान गए थे जानू बताओ, किसी से नहीं क्यों पूछूं, चलो मैं गिफ्ट लेने गई थी, पूछने वाली क्या, मैं भी तोड़ दूंगा कुछ भी जाना बता दो ठीक है, चुपचाप अपने मन से खोल के तो देखो कुत्ते चिल्ला तुम किस, खोल के देखो खोल के, इसमें है क्या अपने बताओ सही, नहीं बताओ तुम उधर चलो, उधर चलो ना, अब इस बार गिफ्ट भी फेंक दूंगा, तुम कोई मैं दिवाली पे दी हूं, दिवाली पे तो फ्रेंड्स आप देखो दिवाली पे कोई किसी को ऐसा गिफ्ट मिलता है क्या, देखो कैसे ये देख लो गिफ्ट का पैकिंग देख लो, और ये देखो इधर से निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इसमें क्या है, कब लेकर के आई, नहीं मैं कल ही गई थी, जब आप जॉब पे चले गए थे ना मैं तब गई थी, पैसे कहाँ से है, मैं बचा बचा के रखी थी वही पैसे हैं, आप पहले खोल के तो देखो मैं किस, तो पैसे कहाँ से, मेरे पास थे, कितने के लेकर गया, क्या मुझे पैसे रखने दिए थे जो, तो कितने के लेकर के आई, क्या है बताओ, तो कितने लेकर, इसका कोई कीमत ही नहीं, मैं कैसे बताऊं, अभी आधे पैसे उधार हैं, तो लेकर के आओ पहले ब्लॉग करते हैं फिर तुम्हें बताता, तो इधर आओ। तो फ्रेंड्स सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें है गिफ्ट, जानो देखो दिया है क्या, मुझे नहीं पता क्या दी नहीं दी इसका कुछ पता नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन ये बोलूँगा फ्रेंड्स जानू मुझे पहली बार, मतलब भाई सुबह सुबह का, हाँ सर ये जानू तुम यार फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम है, जब से जानू मेरी गर्लफ्रेंड तब से मैं सच बोलूँ जानू मुझे कुछ नहीं दिया, कपड़े के अलावा एक जो गिफ्ट बोलते हैं
लेकिन आज दी भी है बंदा मेरे पैसे से, मेरे कमाए पैसे तुमने दिया हुआ। तो फ्रेंड्स चलो हम ब्लॉग में बने रहना, अभी चलते हैं। जादू दिखाएंगे, जादू का गिफ्ट क्या है, ओपन करो जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। भाई ये देखो आलू का आवाज आ रही होगी, खड़खड़ कर रहा है, कुछ है। तो फ्रेंड्स हम ब्लॉग बने रहना, अभी आपको हम दिखाते हैं खोल कर इसमें है क्या। पास ही का कैमरा ऐसे रखो, ऐसे बंदे ने पैक पुक मारा। मैं एक्साइटेड है गिफ्ट देखने के लिए। मैं इतना बोल सकती हूँ कि आज तक किसी ने अपने हस्बैंड को ऐसा गिफ्ट दिया नहीं होगा। अरे बंदा इतना हुआ है कि खुद नहीं रहा फ्रेंड्स। सही होता है पन्नी फाड़ दिया और सही से बचा कर रखता है, अगले काम आता। कसम से 5 रुपए पन्नी के अगले गिफ्ट में काम आता। जल्दी खोलो जल्दी। अरे जानू तुम्हारा टेप उतना हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो भाई, दिवाली का गिफ्ट मुझे पहले ही मिल गया। आप लोगों को मिला कि नहीं मिला लोग कमेंट्स करके बताना। इसका पैकिंग तो कैसे पैकिंग की है बंदा, कहीं गिर ना जा भाई। डिब्बा तो आप पहचान नहीं जाओ। अरे ये डिब्बा तीसरा मेकअप बॉक्स का है, मैंने इसके अंदर डाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें निकलता क्या है। इसमें भी पैक है भाई, इसमें तो कुछ है। देखो जल्दी बताओ, दिखाओ फ्रेंड्स को क्या है। ये खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है यार। तो फ्रेंड्स इसमें इसमें कुछ है, लेकिन लग रहा है जानू गोल्ड गुड दे दी मेरे क्या। मैं बोल रही ना इतने कीमती थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ले इसमें कुछ है। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये ऐसा पन्ना है, ये नहीं है। अरे ये लेटर है आपके लिए। लेटर है हाँ ले। तो फ्रेंड्स पहले तो लेटर निकला, ये लेटर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आपको आप पढ़ के सुनाओ। और भाई फिर एक पैक है इसमें, अब है क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह जब कैमरा थोड़ा ऐसे रखो ना ऐसे हाँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को भी पढ़ के सुनाता हूँ, जानू ने लिखा क्या दिवाली के लिए कुछ लिख रखा है हाँ। क्या जानू ने, ठीक है। नहीं पहले मैं गिफ्ट खोल फिर पढ़ा सुना। नहीं पहले आधा पढ़ा फिर गिफ्ट खोलना फिर उसके। नहीं नहीं मैं पहले गिफ्ट खोल, मैं जो बोल रही हूं वो करो पहले। जानो पहले देखना है मुझे इसमें है क्या। नहीं पहले सुनाओ फिर। अरे जानो देखना है पहले बक। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली इन एडवांस मै हबी। तो फ्रेंड्स आप सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी दिवाली, ठीक है, एडवांस है, ठीक है। जानू लिखी है, मैं पढ़ के सुना देती हूं। नहीं मैं पढ़ लेता हूं। जानू आप जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी की हर खुशी दिया है आपने मुझे बहुत बहुत। जानू नहीं, आज मुझे मुझे हाँ सॉरी मुझे बट जानू आज तक मैंने आपको क्या खुशी दिया है और आप क्या मेरे में अच्छा लगा वो आप ही बता सकते हो जानू। बट जानू आपने मुझे दुनिया के हर एक खुशी दिया है। भाई देखो ये कह रही है मेरे में क्या अच्छा लगा। एक इंसान के दिल से प्यार होता है, वैसे मुझे प्यार हुआ है, प्यार हुआ इकरार हुआ, ठीक है। ये तो नेक्स्ट है ना चांद। अरे अरे नेक्स्ट शायरी है फ्रेंड्स, नेक्स्ट शायरी है। आप लोग में कमेंट ब्लॉग ब्लॉग है ना, कोई मिस मत करना। ना चांद की चाहत, ना चांद की चाहत, ना दौलत की फरमाइश, वाह वाह वाह। ना चांद की चाहत, ना दौलत की फरमाइश, सातों जन्म में मैं तुम्हें मिले मिलेंगे। सातों जन्म में तुम मिलो बस, बस इतनी सी दिल की ख्वाहिश। तो फ्रेंड्स अगर मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ, ना चांद की चाहत, ना दौलत की फरमाइश, ना चांद की चाहत, ना दौलत की फरमाइश, सातों जन्म में तुम मिलो बस इतनी सी दिल की है फरमाइश। वाह 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 वाह, बंदे मार तो बंदे को मैं ऐसे कहा, बंदे तो मार ही रहा जानू यार हाँ। और आगे लिखा है लव यू जानू, बस उसके बाद ये बाद में पढ़ना, पहले गिफ्ट पढ़ने दो, पूरा पढ़ने पहले गिफ्ट खोलो। कोई बात नहीं, मैं भाई कब से वो गिफ्ट खोलूं। तो भाई बहुत टाइट है यार, जानू बता दो ना यार। खोलो पहले, खोलो मेरे को अभी खोलने का मन नहीं है। नहीं खोलो, बताओ इसमें लग रहा है कुछ, मतलब ज्यादा कीमती है क्योंकि इतना छोटा सा यार, बड़ा होता है सस्ता होता है, इतना छोटा कीमती होगा। तो फ्रेंड्स
जानू का पहला पहला प्यार है। पहला गिफ्ट दिया भाई। ले कितने का है बताओ ना। अरे इतनी इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, इतना महंगा जानू। सोच लो घर बेच दो चाहे जो भी बेच दो भैया। फिर तो क्यों इतने पैसे नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप खोलते हैं पहला प्यार है। दिमाग कहाँ कर रखी है। एक और इसे पर्ची आ गया पहला। जानू कहीं रिंग रूम तो नहीं है यार। यार तुम तो पहले ही बता दिए फ्रेंड्स को कि रिंग है। तो फ्रेंड्स रिंग है इसमें लग रहा है। रिंग नहीं है पागल, खोल कर देखो। पहला पहला मेरे दिल में इतना तेज धक्कन मत खोलो, वजन मत खोलो। टाइल था जिसका पत्ता टूटा हुआ था, ये वो है। अब जानू शायरी पढ़ के सुनाओ पहले फ्रेंड को। देख लो मैंने वो भी लिखा है। मैं क्यों ऐसा की तुम्हें मेरी कसम सुनाओ पढ़ के। गिफ्ट है दूंगी बताओ। पता पत्थर दिया जानू करता है क्या बताओ। अच्छा तुम पढ़ के सुनाओ। जानू मुझे नहीं पढ़ना। पहले नहीं पढ़ोगे पत्थर। तुम्हें क्या कर रहे हो पूरा क्यों फैला रहे हो। पहले गुस्सा नहीं आता क्या बताओ। इतना अच्छे से पढ़ो यार जानू। मैं नहीं पढ़ूंगा। जाओ पढ़ो ना पढ़ो। जानू मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ो ना यार जानू बता। जानू ऐसे कोई मजाक करता है क्या। दिखाओ पहले दिखाओ अपने फ्रेंड्स को दिखाओ। तो फ्रेंड्स ये देखो जानू का प्यार देख लो। आप लोग बोलते हो ना देख लो। ये पता है क्या है ये देख लो। ये टाइल जो होता है पत्थर जो लैट्रिन बाथरूम में लगाता है घर में भी लगता है पत्थर है देख लो। अरे किसे रख दो प्यार से दिया रख लो संभाल के। ये पत्थर कौन रखेगा भाई। पत्थर कौन रखेगा जानू बताओ। बता ऐसे को बताओ फ्रेंड्स ऐसे कौन करता है। ये पत्थर तो कौन देता है। कोई बात नहीं अभी अभी पढ़ ही लेता हूँ भाई। कोई बात नहीं जो नेक्स्ट लिखी है पत्थर के लिए जेब में रखूँ क्या। दिल में रखूँ। दिल में नहीं पत्थर में सीने में चुभा लेता हूँ। चुभा लो। ये देख लो फ्रेंड्स देखो देख लो पी आर लिखा था मैं करवा चौथ वाले दिन। गिर जाएगा जेब में रखोगे तो मैं गले में रखूंगा। चलो अरे जान पढ़ के सुना। फ्रेंड्स दिल में चला गया वो पत्थर। कोई बात नहीं मेरे साथ मजाक हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ क्या लिखी है। जानू मैं आपको अपना प्यार के अलावा कुछ और नहीं दे सकती हूँ क्योंकि जानू मेरे पास पैसे ही नहीं होती है। फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार इसको सही से पढ़ लेना ठीक है। लो चलो इधर इधर पढ़ो दिखाओ सही में। हाँ। और लिखा है और आप मुझे कभी कहीं बाहर अकेले जाने ही नहीं देते हो। मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। सॉरी जानू आप मर जाओ। आप मेरी दुनिया हो। आप मेरी दुनिया हो बस यही जाना आपके साथ है। फ्रेंड्स आप लोग इसको सही से पढ़ लेना ठीक है। बस जानू आपके साथ ये मैंने लिखा है ठीक है। ये और इधर लिखा है बेसन आलू प्याज टमाटर। तो फ्रेंड हमारा गिफ्ट कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। इधर आओ इधर गिफ्ट नहीं इधर आओ इधर इधर गिफ्ट नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। गिफ्ट नहीं इधर आओ जानू। अच्छा मैंने नीचे लिख दिया था ना सॉरी। जानू लिख दिया कोई पत्थर देता। तो फ्रेंड देखिए पहले मैं फ्रेंड्स को बताऊं। फ्रेंड देखिए ना कभी मुझे अकेले बाहर जाने ना किसी के साथ जाने देते हैं ना कुछ होता बताओ कुछ भी नहीं ना मेरे पास पैसे होते। फ्रेंड मेरे पास पैसे एक रुपए जो कहोगे अब 10-20 रुपए होते। 10-20 रुपए में कोई गिफ्ट हमें मिलने और पहले बात मुझे बाहर। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को
ये गिफ्ट तो देख फ्रेंड्स ये बताना ये सबसे कीमती तोहफा था कि नहीं सबसे था सबसे कीमती तोहफा था। चलो कोई बात नहीं, जानू ने जानू मुझे कुछ नहीं भी देती ना तब पर भी मेरे लिए बहुत बस वो है। मैं प्रैंक के जैसे होता ना जैसे एक उसके मतलब इंसान को करना वही मैंने नहीं बस मैं आप लोगों से ही बोलूंगा जितने भी लड़के हैं जो हस्बैंड वाइफ है उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दिवाली पे अपने वाइफ पे ध्यान रखें और खास करके गिफ्ट ना लें। ठीक है नहीं ऐसा मत करना है भाई क्योंकि देखो चलो नहीं यार आप लोग फ्रेंड्स ले लेना क्यों हमारे पास पैसे नहीं थे दूसरी चीज़ में जाऊँ कहीं जवाब जाने भी नहीं देता हूँ तो कोई बात नहीं मुझे इस चीज़ से बुरा नहीं लगा थोड़ा सा भी गलत फील नहीं हुआ बाकी कोई बात नहीं जानू कोई बात नहीं यार मेरे लिए इससे पत्थर से कुछ नहीं है पत्थर भी है ना तो मेरे लिए ये सबसे कीमती और मैं इसको हर मतलब इसको संभाल के मैं रखूँगा। ठीक है अच्छा फ्रेंड जब भी ब्लॉग में तब जानू से पूछेंगे गिफ्ट कहाँ है मेरा दिया चलो मैं रखता हूँ भगवान के पास रखूँगा मैं इसको। तो फ्रेंड्स आज के सभी को इतना ही साथ क्या हुआ आपको पता ही है फ्रॉड हुआ तो सभी को बाय बाय ऐसा फ्रॉड हुआ कभी सोच नहीं सकते आप लोग तो प्लीज थोड़ा सा मेरे प्रे कर देना बेचारे के लिए बेचारे के लिए तो फिर लव यू फिर मिलेंगे।